फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटरनल इफेक्ट सेल कॉइलिंग इन स्नेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद अ मेल गैमेट जाइगोट इज फॉर्म। तो जब फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है तो जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रायो। सिंस एम्ब्रायोस डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैटरनल एनवायरनमेंट। तो जाइगोट किसके अंदर, मतलब जाइगोट डेवलप्स होकर एम्ब्रायो फॉर्म करता है, और वो एम्ब्रायो किसके अंदर डेवलप होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। वो इन्फ्लुएंस रहता है मैटरनल एनवायरनमेंट से। द एग डेवलप इन द मदर बॉडी, रिसीव साइटोप्लाज्म एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर। तो एग जो है वो डेवलप्स मदर बॉडी के अंदर होता है, और उसका ही साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, रिसीव करता है। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग हैंस आर नोन टू बी डिटरमाइंड इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्स के जो फर्टिलाइजेशन के पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं। सच प्री डिटर्मिनेशंस बाय जीन्स ऑफ द मदर रादर देन दोज ऑफ द प्रोजेनी इज कॉल्ड मैटरनल इफेक्ट। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है मैटरनल इफेक्ट क्या है, आप लोग लिख सकते हैं। फिर मैटरनल इफेक्ट इज सीन इन द सेल कॉइलिंग ऑफ लिमनिया पेरेग्रा। तो क्या है कि मैटरनल इफेक्ट जो है कहाँ देखा जा सकता है, सेल कॉइलिंग ऑफ लिमनिया पेरेग्रा। ये एक स्नेल है, फ्रेश वाटर स्नेल है। हाँ, ए फ्रेश वाटर स्नेल। द स्नेल हैज सेल कॉइलिंग ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या है, डेक्स्ट्रल और क्लॉकवाइज, और सिनेस्ट्रल और एंटी क्लॉकवाइज। तो यह क्या है, डेक्स्ट्रल इज कंट्रोल बाय अ डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन कैपिटल डी। तो यहाँ डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन क्या है, कैपिटल डी है। ये डेक्स्ट्रल का सेल कॉइलिंग है। वाइल सिनेस्ट्रल कॉइलिंग इज ड्यू टू रिसेसिव एलील स्मॉल डी। तो सिनेस्ट्रल सेल कॉइलिंग का सेल कॉइलिंग स्मॉल डी है, ये है रिसेसिव एलील है। व्हेन डेक्स्ट्रल फीमेल, अगर हम जब डेक्स्ट्रल को फीमेल पकड़े, कैपिटल डी इज क्रॉस विथ सिनेस्ट्रल मेल, अगर सिनेस्ट्रल को मेल पकड़े स्मॉल डी ऑफ ऑल द ऑफ स्प्रिंग कैपिटल डी स्मॉल डी। अभी इधर हम क्या देखेंगे पता है, जो फीमेल को हमने लिया है उस फीमेल के ऊपर ही डिपेंड्स करता है उसका ऑफ स्प्रिंग। हम मेल की तरफ देखेंगे भी नहीं, फीमेल जो होगा हम उस ऑफ स्प्रिंग भी वही होगा, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग क्या निकला, कैपिटल डी स्मॉल डी ऑफ एफ वन जनरेशन हैव डेक्स्ट्रल सेल कॉइलिंग। हमको फीमेल क्या लिया था हमने, कैपिटल डी क्या था, डेक्स्ट्रल था, ठीक है। तो अभी हमने जब ऑफ स्प्रिंग एफ वन जनरेशन देखा हैव डेक्स्ट्रल सेल कॉइलिंग, डेक्स्ट्रल सेल कॉइलिंग है ना। इफ़ सिनेस्ट्रल फीमेल, अगर हम सिनेस्ट्रल को फीमेल पकड़े स्मॉल डी इज क्रॉस विद डेक्स्ट्रल मेल कैपिटल डी, द ऑफ स्प्रिंग हैव कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप एंड सेल कॉइलिंग इज सिनेस्ट्रल। अभी देखिए, उधर हमने डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन कैपिटल डी देखा था, इधर डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन कैपिटल डी है लेकिन मेल है, लेकिन हमने क्या पकड़ा था, हमने सिनेस्ट्रल को फीमेल पकड़ा था, इसलिए ऑफस्प्रिंग सिनेस्ट्रल ही निकलेगा, हम मेल को देखेंगे भी नहीं, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है हमें इसको देखना ही नहीं है, बस हम देखेंगे फीमेल क्या है। फीमेल अगर कैपिटल डी है तो ऑफस्प्रिंग भी वही निकलेगा डेक्स्ट्रल, अगर फीमेल सिनेस्ट्रल है स्मॉल डी वो ऑफस्प्रिंग यही निकलेगा सिनेस्ट्रल, ठीक है। Whatever is the genotype of the offspring, genotype क्या होगा offspring का, वही लिखा है। But the expression depends on the genotype of the mother। देखा जो मैंने क्या कहा कि mother के ऊपर depend करता है offspring क्या निकलेगा, and hence such inheritance is called maternal effect। तो इसे ही maternal effect कहते हैं। चलिए हम लोग diagram से समझते हैं क्या लिखा मैंने इधर, ठीक है। डायग्राम, तो हमने डेक्स्ट्रल को फीमेल लिया है, सिनेस्ट्रल को मेल लिया है, हमने क्रॉस किया एफ वन जनरेशन में हमें डेक्स्ट्रल मिला, फिर इसको सेल्फिंग किया,
इस लेकिन सेल्फिंग करने के बाद इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, ये प्रोजेनी था, एक छोटा सा सेल था। फिर अभी ये डेवलप हो गया, डेवलप होके ये इसको हमने सेल्फिंग किया तो क्या हुआ, ये इसको फीमेल पकड़ा, इसको मेल पकड़ा, इसको सेल्फिंग किया, इसको क्रॉस किया, F2 जनरेशन में हमारे सारे डेक्सटर निकले क्योंकि फीमेल क्या है, हमको फीमेल देखना है, फीमेल हमारा क्या था, डेक्सटेल था, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेक्सटेल निकला। फिर F3 जनरेशन आया, फिर इसको सेल्फिंग किया, इन सबको एक बार देखिए, सेल्फिंग किया, ये सेल्फिंग किया, ये सेल्फिंग किया, तो क्या निकला, अगर ये फीमेल ये मेल होगा तो क्या निकलेगा, डेक्सटेल ही निकलेगा क्योंकि फीमेल क्या है, डेक्सटेल है। अगर इसे फीमेल इसे मेल पकड़े तो ये फीमेल है तो डेक्सटेल ही निकलेगा, ये से फीमेल इसे मेल पकड़े तो ये क्या फीमेल। अभी इधर देखिए यहाँ क्या है, सीनेस क्या स्मॉल डी, अगर हम इसमें इसको फीमेल इसको मेल पकड़े तो हमारा ऑफस्प्रिंग क्या निकलेगा, सिनेस्ट्रल क्यों निकला। अभी देखिए इधर तो डेक्सटेल निकला था, ये क्वेश्चन आया आप लोगों के माइंड में कि यहाँ तो डेक्सटेल निकला था तो ये तो सिनेस्ट्रल कैसे हो गया। अभी देखिए हमारा इधर फीमेल क्या था, डेक्सटेल था, तो ऑफस्प्रिंग हमारा क्या निकलेगा, डेक्सटेल निकलेगा। ये जब बहुत छोटा था इसलिए डेक्सटेल था, हाँ। फिर हमने जब सेल्फिंग किया इसके साथ कोई लेना देना नहीं रहा हमारा, ठीक है। अभी ये बड़ा हो गया, डेवलप हो गया है, ये अभी सिनेस्ट्रल बन चुका है। अभी जब इसको फीमेल इसको मेल पकड़ा हमने, अभी जब क्रॉस किया तो हमारा ऑफस्प्रिंग क्या निकला, सिनेस्ट्रल निकला, समझे। फीमेल जो होगा वही हमारा ऑफस्प्रिंग होगा, इसके साथ एक बार सेल्फिंग करने के बाद इसके साथ कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 2 में देखते हैं, हमने इस बार डेक्सटेल को मेल लिया और सिनेस्ट्रल को फीमेल लिया, ठीक है। फिर हमने क्रॉस किया, अभी फीमेल क्या था हमारा, फीमेल क्या था, सिनेस्ट्रल था, तो हमारा ऑफस्प्रिंग क्या निकलेगा, सिनेस्ट्रल निकलेगा, ठीक है। फिर हमको सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस बार हमने इसको मेल पकड़ा, इसको फीमेल पकड़ा। अभी सेल्फिंग करने के बाद जब क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद हमारा पूरा ऑफस्प्रिंग क्या निकला, पूरा ऑफस्प्रिंग डेक्सटेल निकला क्योंकि हमारा फीमेल क्या है, डेक्सटेल, फीमेल क्या है, डेक्सटेल। अभी ये डेवलप होकर बड़ा हो गया, ये जब छोटा था तब सिनेस्ट्रल था, ठीक है। फीमेल क्या था, सिनेस्ट्रल था, इसीलिए सिनेस्ट्रल था। फिर जब हमने सेल्फिंग किया इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ा हो गया है, अभी डेवलप हो गया है, इसके साथ क्रॉस किया हमने मेल फीमेल करके, जब हमने क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग निकला F2 जनरेशन में, हमारा सब ऑफस्प्रिंग क्या निकला, डेक्सटेल, हमारा फीमेल इस डेक्सटेल था, इसीलिए हमारा ऑफस्प्रिंग भी डेक्सटेल निकला। फिर हमने इन सबको सेल्फिंग किया, ये सेल्फिंग का किया, फिर क्या हुआ, ये मेल ये फीमेल पकड़ा तो क्या हुआ, डेक्सटेल निकला, ये मेल ये फीमेल पकड़ा तो डेक्सटेल, ये मेल ये फीमेल पकड़ा तो डेक्सटेल, ये मेल ये फीमेल पकड़ा तो सिनेस्ट्रल निकला क्योंकि सेल्फिंग करने के बाद, मैंने क्या कहा था, सेल्फिंग करने के बाद इसके साथ कोई लेना देना नहीं रहता है, सेल्फिंग करने के बाद ये सब मतलब डेवलप हो गया है। एक बच्चे के साथ तो कभी शादी नहीं होगा ना किसी के साथ, हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी तो शादी होता है ना, वैसे ही, हाँ, जब छोटे थे तब डेक्सटेल थे, अभी डेवलप हो गया है, अभी ये सिनेस्ट्रल बन चुका है, अभी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिनेस्ट्रल है, इसके साथ इसे मेल ये फीमेल पकड़ा तो ये क्रॉस किया तो ऑफस्प्रिंग हमारा सिनेस्ट्रल निकला। ये समझ लेना, फीमेल जो होगा ऑफस्प्रिंग भी वही निकलेगा, ठीक है। यही था पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। अभी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।